हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मनोज सराफ और आप देख रहे हैं स्टेशनरी ज्ञानदाता। तो गाइस, आज मैं लेके आया हूं आपके लग्जर के मॉडलिंग डोस, या फिर आप उसको क्ले भी बोल सकते हैं। लेकिन एक्चुअली ये डो होता है, आटा होता है एक तरीके का, जिसमें कलर एडेड रहता है और थोड़ा उसमें कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर देते हैं ताकि वो आटा सड़े ना। ये वीट का आटा ही होता है एक तरीका का, लेकिन इसको कुछ लोग क्ले भी बोल देते हैं। लेकिन क्ले अलग आता है, वो क्ले ही होता है। क्ले में वो लोग कलर ऐड कर देते हैं, प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर देते हैं, वो अलग चीज़ होता है। तो आज मैं कोई सिर्फ डो दिखाने जा रहा हूँ, वो भी सिर्फ लग्जर ब्रांड का। तो लग्जर ब्रांड का मेरे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैरायटी के डोस। परमानेंटली यही चलते हैं मार्केट में, और एक दो वैरायटी और आते हैं वो एकदम भी मार्केट में नहीं चलते हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आइटम ये है, ये है लग्जर डो आर्ट। तो इसकी जो सबसे छोटी बाल्टी है, ये देखिए आप, एकदम बाल्टी है, बच्चे लोग के ये कैरी करने के बहुत आराम है इसमें। तो इसका देखिए आप, लग्जर में क्या होता है ना कि प्रोडक्ट में कोड्स रहते हैं, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये देखिए प्रोडक्ट नंबर 1672, ठीक है। तो इससे आप जो है आइडिया लगा सकते हैं मार्केट में। तो ये होती है 80 MRP का। इसमें आपको मिल जाता है 6 डो 13 ग्राम इच, टोटल 78 ग्राम्स, 2 इम्प्रेशन मोल्ड्स, 1 प्लास्टिक नाइफ, 1 रोलर। तो इस तरीके का ये होता है, बाल्टी होता है। अभी मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ अंदर से। ये देखिए इस तरीके का ये होता है। तो ये हो गया आपका रोलर, रोलिंग करने के लिए, मतलब आटा आपको रख के ऐसे ऐसे बेल के उसको बड़ा लंबा करने कर सकते हैं। ये हो गया शेप बनाने के लिए, जैसे तितली है ये, तो आटा को प्लेन करके उसके ऊपर से इसको रख के काट लेंगे तो तितली का शेप निकल जाएगा। फिर एक और है ये आदमी बनाने के लिए, इस तरीके का है। और ये जो नाइफ़ है, ये देखिए नाइफ़ ये कटिंग करने के लिए, और इधर से भी आप ग्रूविंग वगैरह कर सकते हैं। तो इतना इसमें सेट्स आता है। ये देखिए कलर्स इस तरीके का रहता है, एक एक पैकेट में। ये 13-13 ग्राम का आटा है, अलग अलग, ठीक है। 6 वाइब्रेंट कलर्स में है, पिंक है, ऑरेंज है, ग्रीन है, ब्लू है, फिर ये दूसरा तरह का ऑरेंज है, और ये है वायलेट। तो इस तरह के 6 कलर्स है। तो बच्चे इसको यूज़ कर सकते हैं पैकेट खोल के। और जब इसको मैं बता देता हूँ आपको एक चीज़ और, यूज़ करने के बाद बच्चे जब इसको रखेंगे तो पेरेंट्स को थोड़ा सा ये ख्याल करना है कि ये जो है एक साथ ऐसे रख देने से क्या होगा, ये एक दूसरे के साथ सट के मिक्स हो जाएगा कलर। तो उनको क्या करना है, एक बार इसको थोड़ा सा हाथ से ऐसे ऐसे करके गोली बना लेना, गोली बना बना के रखेंगे तो वो सटेगा नहीं ज़्यादा एक दूसरे के साथ। और ऐसे कैरी करने के ये आराम ही एकदम बाल्टी में रहेगा आराम से। तो बाल्टी का ढक्कन लगा के उसको आराम से आप रख सकते हैं वापस, कुछ ख़राब नहीं होगा। और एक चीज़ मैं और बताता हूँ आपको साथ में, इसमें क्या होता है कि यूज़ करते करते आटा थोड़ा टाइट होने लगता है। तो जब आटा थोड़ा टाइट होने लगे तो आप इजीली इसमें थोड़ा सा 2-4 ड्रॉप भी आप पानी इसमें ऐड करके फिर इसको ऐसे ऐसे माँग देंगे तो वापस एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, कोई नुकसान नहीं है। और ये नॉन टॉक्सिक होता है एकदम। और जो इसमें कलर भी ऐड किया होता है, फूड कलर होता है, तो थोड़ा बहुत बच्चे का हाथ उसमें लग के इधर उधर, मतलब लग भी जाए तो ऐसा कोई रिस्क नहीं होता बच्चे को। तो ये सबसे छोटा है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये आता है इससे बड़ा, ये आता है 120 रुपये का। इसका कोड है 1673, और इसमें आपको मिल जाएंगे 12 पीस 13 ग्राम के। उसमें थे 6 पीस 13 ग्राम के, इसमें 12 पीस 13 ग्राम के, 3 इम्प्रेशन मोल्ड, 1 प्लास्टिक नाइफ, 1 रोलर। तो उसमें 2 इम्प्रेशन मोल्ड, इसमें एक है। MRP इसकी 120 और इसकी थी 80 रुपीज़। तो ये भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। सब कुछ तो सेम है, खाली इंप्रेशन मोल्ड इसमें एक्स्ट्रा क्या वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए गाड़ी का इंप्रेशन मोल्ड है, तो इसमें 12 पीस मिलेंगे 6 के जगह, वो तो है ही। तो 12 में आपको कलर ऐड मिल जाएंगे, ब्राउन मिल गया एक्स्ट्रा में, ठीक है, ब्लू मिल गया, ठीक है, येल्लो मिल गया, ठीक है। तो उस तरह से 12 जो स्टैंडर्ड कलर्स होते हैं जो स्केच पेंस में भी आते हैं, उस तरह के स्टैंडर्ड कलर 12 को मिल जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं, इससे ही बड़ा आता है, सब कुछ सेम। इसका नंबर है 1674, MRP है 150 रुपीज़। तो इसमें आपको 12 ही मिलेंगे, लेकिन 20 ग्राम्स इच, 4 इम्प्रेशन मोल्ड्स है, 1 नाइफ 1 रोलर। तो इसमें 20 ग्राम्स इच मिलते हैं, इम्प्रेशन मोल्ड ऐड हो जाता है, ये वाला एक तो हाथी वाला, और यहाँ चिड़िया मिल जाती है, स्टार मिल जाता है, और इसमें मिल जाता है ये एक तो मशरूम जैसा चीज़, मशरूम बना सकते हैं या ट्री भी बोल सकते हैं इसको, रोलर है ही, नाइफ है ही, ठीक है। तो ये जो कि आप इसमें बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो ये 20 ग्राम का इच होता है, वो 13 ग्राम था, 20 ग्राम है। फिर आ जाते हैं, ये है एक और
इसमें 24 एक्साइटिंग कलर्स होते हैं, 3 शेप कटर्स होते हैं, 1 मोल्डिंग डो, 1 प्लास्टिक नाइफ, 1 रोलर। इसका जो नंबर होता है वो है 2367, MRP है 225 रुपीज़। 24 पीस रहते हैं, 15 ग्राम्स ईच के, टोटल 360 ग्राम हो जाता है। इसको मैं खोल के दिखा देता हूँ। देखिए इसमें आपको इस तरह का ये मिल जाएगा, एक इम्प्रेशन वाला हो गया ये, इसमें आप आटा ऐसे करके इम्प्रेस कर सकते हैं। ओके, और फिर ये जो है ये कटर से ही जो आप डिज़ाइन बना सकते हैं, 3-4 लव शेप भी है इसमें, और रोलर वगैरह सब कुछ है ही। और ये आप देख सकते हैं ये जो कलर्स है अलग अलग इसमें है, तो इसमें आपको टोटल 24 कलर्स मिल जाते हैं 15 ग्राम ईच। अच्छा, फिर ये हो गया चार वैरायटी बाल्टी में। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, ये जो है अलग तरह का होता है, ठीक है ये मॉडलिंग डोई ऑफकोर्स 1675 इसका प्रोटेक्ट कोड है, इसकी MRP 110 रुपये। इसमें क्या होता है, 6 कलर्स होता है और एक एक 25 ग्राम्स का होता है, तो टोटल 150 ग्राम्स हो जाता है। इसमें क्या होता है, एक एक बकेट है ये अंदर में, ऐसे एक गत्ता का डब्बा है ऐसे, तो ये खुल जाएगा, एक एक टू बकेट है, एक एक बकेट में एक एक कलर है। और इसमें आप देख सकते हैं 6 इंप्रेशन के लिए भी आपको मिल जाएंगे ये डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। और इसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि कोई नाइफ वगैरह एक्स्ट्रा आपको इसमें कुछ मिलेगा, वैसा इसमें कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है। इसमें आपको फ़ायदा यही है कि एक एक के एक एक बकेट अलग अलग मिल जाएंगे। फिर इसी का जो दूसरा वेरिएंट है ये, तो इसमें भी बकेट्स है, लेकिन इसमें बकेट देखिए बड़ा है, तो इसमें जो है वही 6 शेड्स आपको मिल जाएंगे 50 ग्राम ईच, वो 25 ग्राम ईच है, 50 ग्राम ईच है, वो 110 रुपये का था, ये 150 रुपये का है। इसका नंबर है 1671। तो ये जो बकेट्स है एकदम डबल साइज के बड़ा है, और इसके अंदर आपको जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सब अलग अलग शेप मिल जाएंगे, प्लस इसके अंदर एक रोलर और एक कटर इनसाइड फ्री है जो कि इसमें नहीं है। तो यही मैं आपको आज 6 वैरायटी दिखा रहा हूँ, क्या है कि ठीक ठाक दाम में बढ़िया चीज़ है लग्जर का, और आप दूसरे ब्रांड्स में जाओगे तो वो कॉस्टली भी हो जाता है। ये जो आप सामान देख रहे हो इसको आप खरीदने के लिए लग्जर की वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है बाई ऑनलाइन एट www.luxury.in, ये लग्जर की खुद की वेबसाइट है, यहाँ से भी आप खरीद सकते हैं, और नहीं तो आप चाहे तो अमेजन या फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं, इजीली अवेलेबल रहता है। तो गाइस यही था आज एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव बच्चों के लिए वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, और भी ऐसे वीडियोज फ्यूचर में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।